उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा भड़क उठी है। दो समुदायों के बीच में टकराव है जो इस कदर बिगड़ गया कि एक दूसरे पर लाठी डंडों और पथराव तक हुआ। प्रशासन बहराइच की सड़कों पर उतर आया है। हालात बेहद तनावपूर्ण है, जिन्हें संभाल पाना इस वक्त बेहद कड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन ये हिंसा भड़की क्यों, इसकी क्या वजह रही और किसके उकसावे पर दो समुदाय आमने सामने आ खड़े हुए? बहराइच हिंसा की पूरी कहानी आपको हम 10 पॉइंट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं NBT ऑनलाइन। बहराइच में हिंसा भड़के हुए 24 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। अब तक यहां जमकर तोड़फोड़ और जोरदार ढंग से उपद्रव किया गया है। उपद्रवी बहराइच की सड़कों पर बवाल मचाते रहे, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इस हंगामे की शुरुआत हुई थी महाराजगंज से। यहां पर नवरात्र के बाद दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन के लिए यात्रा निकाली जा रही थी। शहर से होते हुए यात्रा घाट की ओर बढ़ रही थी। इस यात्रा में बड़े बड़े डीजे पर जोर जोर से भक्ति के गीत बजाए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि एक विशेष समुदाय ने विसर्जन वाली जगह से लगभग 2.5-3 किलोमीटर पहले डीजे पर तेज आवाज में गीत बजाने पर आपत्ति दर्ज की। इस पर दो गुटों के बीच पहले बहस हुई और फिर देखते ही देखते ये बहस मारपीट तक पहुंच गई। इसके बाद एक शख्स जिसका नाम राम गोपाल मिश्रा बताया जा रहा है, वो एक इमारत पर चढ़कर काले रंग का झंडा हटाता है और वहां पर भगवा झंडा लहराता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद अचानक इलाके में तनाव फैला और दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि इसी बीच एक घर की ओट से फायरिंग भी की गई। गोली सीधे राम गोपाल मिश्रा को जाकर लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। दूसरे समुदाय की ओर से किए गए पथराव में विसर्जन के लिए ले जाई जा रही दुर्गा जी की प्रतिमा भी टूट गई, जिससे विसर्जन यात्रा में जा रहे लोग तिलमिला उठे और इस हिंसा ने कुछ ही मिनटों के भीतर बेहद उग्र रूप ले लिया। नाराज भीड़ ने इसके बाद इलाके में जमकर उपद्रव मचाया, जमकर तोड़फोड़ की गई, कई गाड़ियों को फोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, इस हिंसा के बीच उसी जगह पर दुर्गा जी की प्रतिमा की विसर्जन यात्रा को भी रोक दिया गया। नाराज लोगों ने चेतावनी दी कि जब तक आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वे प्रतिमा का विसर्जन नहीं करेंगे। ये खबर देखते ही देखते बहराइच के गांव-गांव तक फैल गई, जिसके बाद वहां से भी बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल आए और प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई। इस मामले में पुलिस ने सलमान नाम के एक आरोपी को नामजद किया है, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। उसके अलावा लगभग 30 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके बावजूद इलाके में तनाव जारी है, बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। प्रशासन की ओर से उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के आदेश हैं। साथ ही किसी भी तरह की अफवाह उड़ाने वालों पर भी प्रशासन की पैनी निगाहें बनी हुई हैं। इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, तमाम अपडेट्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए NBT ऑनलाइन।